गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एसजे व्लॉग्स। जैसा कि आपको पता है कि अभी चल रही है हमारी लद्दाख 2024 में बाइक राइड। ये एक ग्रुप राइड है जिसमें हम करीब 9 बाइक्स के साथ पूरे लद्दाख के अलग अलग रीजन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसी दौरान अभी इस वक्त हम हैं विश्व के सबसे खूबसूरत झील पैंगोंग लेक के पास। आज हमारा प्लान ये है कि पैंगोंग लेक को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे टूवर्ड्स चुशुल रेजांगला एंड देन विल स्टे एट न्योमा। ये हमारा कॉटेज था, यहाँ पर आप देख रहे हो हम सबकी बाइक्स लगी हुई है और यहीं से सामने है ये खूबसूरत पैंगोंग लेक। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो कॉटेजेस मिलते हैं आपको वो किस तरीके से होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा सिटिंग एरिया रहता है, पूरा कॉटेज वुडन का बना हुआ होता है, ये बेड रहता है इस टाइप का। ज़्यादा एमिनिटीज़ आप एक्सपेक्ट मत करना इधर। और यहाँ पे इन पे अटैच वॉशरूम होता है और यहाँ पे आपका भाई पीछे भाई का भाई। लद्दाख में मोस्टली जगह में क्या होता है, जहाँ आप होमस्टे में रहते हो वहीं पे आपको खाना भी इंक्लूडेड होता है MAP प्लान के साथ, मतलब डिनर एंड ब्रेकफास्ट। यहाँ ऐसा नहीं है, मतलब लेह में तो पॉसिबल है कि आप कहीं स्टे ले लो और दूसरी जगह जाके खाना खा लो, लेकिन जैसे हुंडर है, पैंगोंग है, सोमोरेरी है, हानले है और भी ऐसी सारी बहुत सारी जगह है, वहाँ पे जहाँ आप रुकोगे वहीं पे आपको खाना भी लेना होगा। तो रात में हमने खाना खाया था, रात में खाना खाया था चावल, एग करी, वेजिटेबल में आलू जीरा और दाल और पापड़। अभी देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। यार भैया बड़ा मुस्कुरा रहे हो। तो अभी यार ब्रेकफास्ट में है पूरी सब्जी और पापड़। चाय भी है, चाय भी है, ऑमलेट भी है क्या भाई? बोध गया से है, अभी तो सब बनेगा। तो आज हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं पूरी और सब्जी, इसके साथ साथ अभी आने वाला है ऑमलेट। तो अभी फिलहाल हम पहले जा रहे हैं शूटिंग पॉइंट 3 Idiots, वहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो लेके फिर उसके बाद हम वापस चले जाएंगे टूवर्ड्स मान मेरा चुशुल एंड देन रेजांगला एंड देन न्योमा। भाई कितने दिनों के बाद वापस से ऐसे पैंगोंग लेक के पास जा रहे हैं। पिछली बार जब मैं पैंगोंग लेक गया था तो पैंगोंग के बहुत पास तक गया था बाइक लेके, अभी यहाँ पे शूटिंग पॉइंट पे नहीं ले जाने देते बाइक इतना पास। अपन उधर जाओ ना भाई मेरे इतने मन में। तो हम तीनों भाई यहाँ पे जा रहे हैं पैंगोंग लेक के पास। यार पैंगोंग लेक यहाँ से देखने में ऐसा लग रहा है, एक तो थोड़ा लाइट ग्रीनिश शेड है और थोड़ा थोड़ा ब्लूइश शेड है, और जो चमक रहा है भाई बिल्कुल ऐसा जैसे मानो मोती हो यार। हर बारी आके इसको देख के मैं इतना मेस्मराइज होता हूँ कि कोई चीज़ इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। ये देखो क्या क्रिस्टल क्लियर पानी है यार, क्या लैंडस्केप है यहाँ के, इतने सुंदर। थोड़ी देर इधर मस्ती करने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं पांगमिक विलेज, वहाँ पे पहुँच कर हम यहाँ से सीधा चलेंगे चुशुल की तरफ। पिछली बार मैं यार लेक के एकदम साइड साइड से गया था, रास्ता वैसा था, लेकिन इस बार ही कह रहे हैं कि लेक वाला रास्ता जो है उसको बंद करके रखा है एंड कोई नया रास्ता टैरमेक रोड बना रखा है उन्होंने, मेटल रोड। बाय बाय पैंगोंग लेक अंटिल नेक्स्ट टाइम। वैसे हिस्टोरियन रोड जब तक चलता रहेगा हम आपसे मिलते रहेंगे इसी तरीके से। और अभी यार हमारे जो ग्रुप के बाकी राइडर्स हैं वो थोड़ा आगे चले गए, और अच्छा आगे नहीं यहीं पे हैं, और अब हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं अपने अगले पॉइंट चुशुल के लिए।
पैंगोंग लेक के पास जहाँ पर होम स्टे मिलता है वहाँ पर दो तीन गांव है। सबसे पहले जब आप पैंगोंग लेक एंटर करते हो तो गांव आता है ल्यूकुंग, फिर आता है स्पांगमिक, फिर आता है मान और फिर आता है मिराक। मान मिराक के बाद फिर रास्ता कट जाता है चुशुल की तरफ। इन तीनों गांव में स्पांगमिक, मान, मिराक और एक है शूटिंग पॉइंट जहाँ पर थ्री इडियट की शूटिंग हुई थी, हर जगह आपको होम स्टेज, कॉटेजेस, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। भाई क्या सुंदर लग रहा है, देखो क्या ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ से सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात ये है, इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे, इतने पहाड़े, बड़े बड़े पहाड़ों के बीच आखिर ये पानी आया कहाँ से, वो भी सॉल्ट वाटर लेक। पर क्या खूबसूरत लगता है यार। लेकिन 2022 में अपने ऑल इंडिया राइड के दौरान जब मैं पैंगोंग लेक देखने आया था तो मैं इसी होम स्टे में, मतलब इसी गांव में रुका था। इस गांव का नाम है मिराक। उस टाइम ये रोड वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी बढ़िया रोड वोड बन गया भाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। पहले ये सब कुछ भी रोड नहीं था, यहाँ पे थोड़े बहुत वाटर क्रॉसिंग्स थे। इसी किसी घर में रुका था यार, मुझे लगता है इसी घर में रुका था शायद, हाँ इसी घर में रुका था मैं। यस, मारजी होम स्टे इसी में। अभी तो गांव पूरा डेवलप हो गया यार, रोड वोड, सड़क जहाँ पर जाती है डेवलपमेंट ले जाती है, ये बात तो है। ये रास्ता पिछली बार इतना ख़राब था, मतलब मुझे ये था कि शायद मैं गिर जाऊँगा, और अभी क्या मस्त रोड वोड बना दिया है। जैसा कि आप देख रहे हो ये पैंगोंग लेक वहाँ पे जाके मुड़ जा रही है, पहाड़ के पीछे चले जा रही है, तो वो उस साइड को चले जा रही है तिब्बत के साइड, थोड़े दूर तक वहाँ पे इंडिया का है, उसके बाद चाइना का है, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे इस साइड, मतलब राइट, पैंगोंग हमारे लेफ्ट चली जाएगी। जहाँ तक पैंगोंग हमारे साथ है उस गाँव का नाम है खाकटेट। ये देखो ये था वाइल्ड रैबिट, वो भी लद्दाखी वाइल्ड रैबिट। पिछली बार मैं यार उधर नीचे नीचे से गया था, ये रास्ता अभी नहीं बना, ये रास्ता बहुत पहले का बना हुआ है, पर मुझे इस रास्ते के बारे में पता ही नहीं था, जिसके कारण मैं नीचे नीचे से गया। तो अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं उसके बारे में आदरणीय, अरे नहीं सर क्या हुआ बता देंगे उसमें क्या, अजय कुछ कहना चाहता है। पहले बताओ पहाड़ कहाँ है सर तिब्बत का, फिर मैं बता दूंगा क्योंकि मेरे को मालूम नहीं है, जैसे इसको बता। ये पहाड़ के पीछे, ये पहाड़ के पीछे, और ये रास्ता कहाँ जाएगा? ये रास्ता जाएगा चुशुल, चुशुल साकाला होते हुए। यहाँ पर से अपन तिब्बत नहीं जा सकते, सब पूछ ही लोगे तो फिर उसके सामने तो ज्ञान दे रहे थे। अरे तो लाइन गलत यूज कर रहा था सर। हाँ चलो बोलो। जैसे आप देख रहे हो ये पहाड़ों के पीछे तिब्बत है, अगर हम यहाँ से सीधा जाएंगे, हमें वहाँ नहीं जाना है, हम यहाँ से सीधा जाएंगे तो हम चुशुक पहुंच जाएंगे, चुशुक। लेकिन हम जा रहे हैं हम वॉर मेमोरियल की तरफ। रिजांगला, हाँ सॉरी रिजांगला। ये क्या लंगर चल रहा है क्या? लंगर चल रहा है, अरे वाह क्या बात है सर। आज कुछ है क्या? अच्छा अच्छा, क्या बात है क्या बात है। तो यहाँ पे चल रहा था भंडारा गुरु अर्जन देव के शहादत दिवस के उपलक्ष पर, जो यहाँ पे पंजाब रेजिमेंट थी वो यहाँ पर भंडारा करवा रही थी। तो हमने बढ़िया हलवा गरम गरम और जूस पिया, और अब हम जा रहे हैं चुशुल की तरफ। तो अभी हम हैं चुशुल गांव में। चुशुल गांव इसलिए फेमस है क्योंकि वो जो आप पीछे ब्लैक टॉप देख रहे हो वो 2019 में चाइनीज़ आर्मी जब वो गलवान घाटी वाला युद्ध हुआ था तो वहाँ तक आ गए थे, और उसको ही शायद चुशुल पीक भी बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, पर लास्ट टाइम जब मैं इधर आया था तो गांव वाले ने मुझे बताया था उसको ब्लैक टॉप बोलते हैं, ये तो पक्का पता है। और आर्मी वहाँ, चाइनीज़ आर्मी वहाँ तक आ गई थी, तो इसी के कारण जो गलवान घाटी में बहुत ज़्यादा ही मुठभेड़ हुआ था वो इधर ही हुआ था। बाकी यहाँ से हम जाएंगे रिजांगला पोस्ट, रिजांगला पोस्ट यहाँ से, रिजांगला पोस्ट नहीं, रिजांगला वॉर मेमोरियल, वो यहाँ से 13 किलोमीटर है। जब आप पैंगोंग से इधर आते हो
रेजांगला या हानले के रास्ते के लिए, तो आपको पैंगोंग से लेके चुशुल तक तो बहुत बढ़िया रोड मिलता है, पुल फुल मेटल रोड टैरमैक। लेकिन उसके बाद आपको इस तरीके का रोड मिलता है कि रोड ही नहीं है, बस टायर के मार्क्स पे आपको चलना पड़ेगा। आफ्टर चुशुल, चुशुल के बाद सागाला तक, और अरे 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 बच्चे, चुशुल के बाद सागाला तक रोड ख़राब है, रेजांगला तक ख़राब है, फिर लोमा बेंड के आसपास कहीं रोड सही होता है। तो अभी फ़िलहाल तो रोड हो गया है भैया ख़राब। अभी मुझे अपनी चिंता कम है, मेरे जितने राइडर्स हैं उनकी चिंता ज़्यादा है, क्योंकि उनका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है इधर, और मेरा थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस है इस पर। भाई तुम्हारे भाई ने सबको सैडलिंग सिखा दी है, सैडलिंग का मज़ा ही अलग है ऑफ रोड में। खड़े हो जाओ एंड लेट द बाइक डू द दिस डटी जॉब, ऐसे जंप खाने वाला। ये है वाटर पॉइंट, ये रास्ता अभी भी नहीं बना भाई। यहाँ से 10 किलोमीटर में है रेजांगला वॉर मेमोरियल, देखें जरा इसको साइडलिंग में निकाले, बहुत बढ़िया। पर टैंक बैग इधर आ जाता है यार, क्या क्या लिखा है, ब्लैक नेकेड क्रेन माइग्रेट्स हियर फॉर ड्यूरिंग सम, पता नहीं लास्ट टाइम हमने देखा था ब्लैक नेकेड क्रेन, जहाँ तक मुझे याद है हम LAC से बहुत करीब हैं, और यहीं पे कैलाश रेंज भी शुरू होता है। ये जो है ये कैलाश रेंज है शायद, आई एम नॉट श्योर। अरे गजब लग रहा है यार, बड़ा मज़ा आ रहा भाई। शायद लद्दाख में कुछ सबसे ज़्यादा मज़ेदार है तो वो इन रास्तों पे बाइक चलाना, गजब। और वहाँ पर हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। मेरे साथ कमेंट में ज़रूर लिखना जय हिंद, जय हिंद की सेना, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, रेजांगला, रेजांगला की सच्चाई, रेजांगला की बहादुरी, रेजांगला का शौर्य, रेजांगला में जब शैतान सिंह ने और उनकी टीम ने मात्र 120 या 121 अहिर जवानों ने हजारों हजारों की टुकड़ियों में आए हुए चीन के सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे, आज हम उस रेजांगला के सारे सैनिकों को नमन करते हैं जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया अपनी भारत माँ के रक्षा के लिए, उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए। क्योंकि उनको बोला गया था कि हमें बैकअप सपोर्ट पहुँचाने में थोड़ा समय लगेगा, आप पीछे हट जाओ। उन्होंने बोला एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, मरते मरते भी दुश्मन से लड़ेंगे। आज उसी रेजांगला वॉर मेमोरियल में हम जाके उन्हीं वीर सिपाहियों के फिर से उन यादों को ताज़ा करेंगे और आपको बताएंगे। इसीलिए कमेंट में ज़रूर लिखना जय हिंद, जय हिंद की सेना। मैं गलती से 121 बोल गया, 114 अहिर जवान थे, और ये हमारे सामने हमारे देश का तिरंगा, हमारे देश की भूमि और हमारे देश के उन वीर सैनिकों की निशानी, और शैतान सिंह के नेतृत्व में किए गए उस पराक्रम का परिचय है जिसे हम रेजांगला वॉर मेमोरियल के रूप में देखेंगे आज। तो हमने रेजांगला वॉर मेमोरियल को देख लिया, और मेजर शैतान सिंह और उन 114 जवानों के बारे में भी हमने जाना जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का न्योछावर दे दिया था अपनी भारत माँ के लिए। वीडियो अंदर नहीं बनाया मैंने, वैसे भी अंदर एक अहिर धाम है, एक रेजांगला वॉर मेमोरियल है, और एक मेजर शैतान सिंह का एग्जीबिशन हॉल है, और एक रेजांगला एग्जीबिशन हॉल है। अंदर इस बारी कैमरा बोल रहे थे वीडियो नहीं बनाने, तो मैंने उनको रेस्पेक्ट करके मैंने नहीं बनाया। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो बनाया था, उसकी पूरी डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी, वो मैं आपको नीचे लिंक पे दे दूंगा, वो आप देख लेना। अभी हम एक और हाई माउंटेन पास को क्रॉस करने वाले हैं जिसका नाम है सागाला, और वो भी करीब 15,000 फीट के आसपास है। लेकिन अब 15,000 फीट इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि धीरे धीरे हम अक्लमेटाइज हो रहे हैं। बाकी यहाँ से लेके मतलब चुशुल के बाद से लेके लोमा बैंड तक रास्ता अभी बन रहा है, तो इस वजह से ये अभी ख़राब ही है भाई।
लास्ट टाइम हम गलती से हिना पोस्ट की तरफ चले गए थे, चाइना की तरफ, उसको बस ध्यान रखना है। यार ये वाला पैच अभी भी पिछले साल की तरह ही है, पिछले साल की ही तरह टायर के मार्क्स पे चलना है। और कभी कभी मैं एक बार ही उधर चला गया गलती से, फिर पता चला उधर नहीं आना है, इधर जाना है। देखो ये जो पत्थर होते ना, ये एक दो इस तरीके से रास्ते के बारे में बताते हैं कि ये रास्ता है। यार इन स्ट्रक्चर्स को देखो, कितने प्यारे स्ट्रक्चर हैं ये। देखो इस साइड से जा रहा है तारा और इस साइड से जा रहा है राइट साइड से लोमा। इस साइड से एंट्री अपनी बंद है। तारा एक्चुअली पोस्ट है, तारा पोस्ट इसलिए क्योंकि शैतान सिंह जी के दो बच्चे थे, रोहित और तारा, दोनों के नाम पे पोस्ट है। ये कौन सी जगह है एग्जैक्ट वो तो नहीं बताऊंगा मैं, पर इस पूरे पहाड़ पे ऊपर बंकर्स बने हुए हैं और आगे जो लद्दाखी हॉर्सेस हैं वो बहुत सारे अभी यहाँ पे दौड़ दौड़ के गए थे, तो आगे कुछ है भी। ये देखो ये रेस लगाने लगते हैं। ये देखो एक ये, शायद हम पहुंच चुके हैं सागाला। सो वंस अगेन वी आर क्रॉसिंग द माइटी, सर बच्चे अभी, वेलकम टू सागाला। एल्टीट्यूड 15,260 फीट, लोमा यहाँ से 30 किलोमीटर्स। लद्दाखी हॉर्स के बाद ये है याक। यहाँ के जानवर डरते बहुत हैं यार, यहाँ बहुत सारे याक हैं। हम पहुँच चुके हैं सागा विलेज, और लास्ट टाइम जब मैं सागाला मैंने क्रॉस किया था तो सागा विलेज से लेके लोमा बेंड तक रोड था, जिसके रिमेन्स अभी भी दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रोड बनने का काम चल रहा है तो सब कुछ टूटा फूटा है। लेकिन पिछले साल यार चेकिंग वगैरह भी हुई थी परमिट की, अभी तक यहाँ पे तो हुई नहीं है। तो यहाँ पे है परमिट चेक कराने की जगह। यहाँ से लोमा रह गया 22 किलोमीटर, परमिट कराओ चेक। करीब 5:30 बजने वाले हैं और मस्त रास्ता है भाई, मस्त रास्ता है, पूरा रेत रेत, पूरा रोड एकदम बढ़िया रोड बना हुआ था यार, उगाड़ उगाड़ दिया है पूरा रेत रेत भर गया। अब बनेगा जब बनेगा, पर अभी तो भाई जब अभी जब तक नहीं था तब तक बचा के रखना था ना, जब तक नहीं बना था। क्या मस्त लैंडस्केप है भाई, यही वो रास्ता था लेफ्ट साइड में जो हीना को जाता है, और हम गलती से इस रास्ते पे चल गए थे बहुत आगे तक, अभी याद आया। पर तब तक यार ये सब रोड बन गया था, मतलब था थोड़ा बहुत टूटा फूटा। अब वो जो टूटा फूटा रोड है वो इस कचरे के ढेर में फंसा हुआ है, हर जगह कुछ इस तरीके का सैंड क्रॉसिंग है। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पीछे के टायर से पंचर वंचर तो नहीं हो गया। अरे भैया थोड़ा साइड लगा लो यार, ये यहाँ से यहाँ तक खराब है ना, क्या करे बताओ। वहाँ का पता नहीं है ना, गीला वीला हुआ तो मैं जाता हूँ। अगर रुका तो धक्का देने आना, सुनो जब बाइक निकालेंगे ना, सुनो तो मेरी बात सुनो, जब बाइक निकालेंगे तो बाइक पर बैठना मत, खड़े होके अपना वजन बाइक पर मत डालना, और जरूरी नहीं निकल जाएगा, देखते हैं ट्राई करते, क्योंकि यहां से पता नहीं है ना कहां से कहां तक कनेक्ट करेगा, और ये यहीं तक है। आप आओ देख के। चलो मैं आता हूँ।
अरे इजी ब्रो इजी। बहुत ही इजी। मैं बस जा रहा हूँ, अगर किसी को हेल्प की जरूरत हो तो धक्का वक्का लगा दूंगा। इजी है इजी है। सांस फूल रही है यार। यहाँ पे हमेशा देखा है मैंने कि जो ऊपर की रेत है वो सड़क पे आ जाती है। अरे हम तो मिले हैं, हम तो मिले हैं पहले भी। चलो चलो चलो। सिंधु नदी को एक बार फिर से प्रणाम। ये वही सिंधु नदी है जो कैलाश मानसरोवर से आ रही है, और ये वही सिंधु नदी है जिसके किनारे दुनिया का पहला सिविलाइजेशन सभ्यता बसा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता। ये यहाँ से आ रही है कोयूल से, देमचोक से एंटर होती है इंडिया, फिर कोयूल आती है, कोयूल में बन जाती है LAC, और उसके बाद यहाँ से लोमा बैंड से होते हुए ये चली जाती है लेह की तरफ, और लेह से आगे निम्मू में जांस्कार में मिलके फिर इंडस कहलाकर चली जाती है धीरे धीरे पाकिस्तान। क्या सुंदर ये वैली लग रही है यार, ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक नदी गुजरती हुई, जो हम पेंटिंग में बनाया करते थे, ऊपर बादल, इस साइड सन, बीच में नदी, इधर रास्ते तो नहीं बनाते थे हम, बाइक भी नहीं बनाते थे लेकिन ऐसा लग रहा अपनी बनाई हुई पेंटिंग को जी रहा हूँ मैं। हम लोमा बेंट से लेफ्ट नहीं राइट लेके न्योमा जा रहे हैं। क्या नज़ारे हैं भाई, क्या नज़ारे हैं, एक पहाड़ के ऊपर पहाड़, उसके पीछे सबसे पीछे एकदम स्नो पीक्स, और यहाँ क्या तो बस रेत का ऐसा खुला मैदान और रेत के इधर पहाड़। तो ये जो पेट्रोल पंप है ये है न्योमा में। अभी लास्ट सितंबर जब मैं आया था तब यहाँ कोई ऐसा पेट्रोल पंप नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पर पेट्रोल पंप खुल गया है इंडियन ऑयल का, और ये बहुत हेल्पफुल है भाई, वरना हमें हानले पेट्रोल कैरी करना पड़ता था। क्योंकि मैं पिछली बार सितंबर में आया था, सितंबर में नहीं था ये, अभी खुला जनवरी में दिसंबर में, हाँ कह तो रहे थे यहाँ के लोग के खुलने वाला है। तो यार फाइनली हम पहुँच गए हैं न्योमा, और आज का जो पूरा दिन रहा है वो उसमें राइडिंग ज़्यादा रही है, स्टॉप वगैरह बहुत कम रहे, तो इसीलिए कैमरा से बातें नहीं कर पाया, मैं गोप्रो के थ्रू ही आपसे बात कर रहा था। बाकी आज के इस जरूर में इतना ही, कल हम निकलेंगे न्योमा से हानले, हानले से उमलिंगला, उमलिंगला से पहले फोर्टिला, और उमलिंगला के बाद नॉर्बुला शायद करेंगे, देखते हैं कल का क्या प्लान बनता है। आज के इस जरूर में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पर हमें पहली बार देखा है तो फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट राइड उमलिंगला के साथ, तब तक के लिए बाय।